चौथी तिमाही में ब्रिटानिया के सुस्त नतीजे, मुनाफे में करीब 4% की कमी, आय में महज 1% की ग्रोथ, लेकिन 6% वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान के मुताबिक। उधर रेवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे अच्छे, आय और मुनाफे में 20-22% का उछाल। M&M फाइनेंशियल्स के Q4 मुनाफे में 10% की कमी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा 16% बड़ी ब्याज से कमाई। एसेट क्वालिटी में सुधार, पूर्वोत्तर में हुए फ्रॉड के लिए कंपनी ने 1-time प्रोविजनिंग की। वायदा की 4 कंपनियां, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुजरात गैस, ल्यूपिन और मैरिको के आएंगे नतीजे। 6-8% रह सकती है गोदरेज कंज्यूमर की घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ। और भारत पर सुपर बुलिश हुए वॉरेन बफे, बर्कशायर हैथवे के एजीएम में कहा, भारत में निवेश के लिए अवसरों की है भरमार। ऐसा बोले क्या? ये अभी नीरज जी बगल में बैठ रहे हैं, वो भी पूछेंगे, अपन सब पूछेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं ग्लोब में क्या क्या हुआ। खैर, सोमवार की सुबह है, नए हफ्ते की शुरुआत। एक कमजोर हैंडओवर मिला था हमें पिछले हफ्ते, वो फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। कहां नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जड़ रहे थे, फिर से वही 22,800 के करीब नरवसियाते हुए, मुनाफा वसूली हावी हुई। एक समय फ्राइडे को 146 अंक मजबूत थे, बंद हुए 172 अंक दबाव के साथ, और थोड़ा ज्यादा गड़बड़ा गया था मामला। कहां 22,800 से किसिंग डिस्टेंस दूर खड़े थे और कहां 22,350 के नीचे भी स्लिप हुए थे। इस तरह का इंट्राडे वोलेटिलिटी दबाव ऊपरी स्तरों से फ्राइडे को आता हुआ नजर आया। और फिर शब्द का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि पिछले ही हफ्ते एक एग्जाम्पल ऑलरेडी था हमारे पास, मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन, तब भी नए रिकॉर्ड जड़े थे, तब भी 22,800 के आसपास पहुंचे थे और वहीं से पस्त पड़ गए। मंगलवार के दिन 150 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली जाके 38 अंक दबाव के साथ बंद हुआ था, लेकिन फ्राइडे को प्रेशर तगड़ा माउंट हुआ। खैर, उठापटक के बीच पिछले हफ्ते हुआ तो लार्जली कंसोलिडेशन, जितना चढ़े थे उतना गिरे। मैं पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी 1/4% उछाल, निफ्टी बैंक में 1.5% की मजबूती, और यह है दरअसल कंसोलिडेशन अपनी जगह है पिछले हफ्ते का, लेकिन देखेंगे तो मोमेंटम बढ़िया है। ये पिछले 7 ट्रेडिंग वीक्स हैं, वीक ऑन वीक गेंस, सिर्फ लास्ट टू लास्ट वीक एक ऐसा था जब दबाव के साथ कामकाज हुआ, अदरवाइज वीक ऑन वीक इंचअप ही कर रहे हैं भारतीय बाजार। आज खुलते ही रिएक्ट करना है 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे। यूएस की ऑल इंपॉर्टेंट वो जॉब्स रिपोर्ट जो अप्रैल की आई थी फ्राइडे को शाम को, प्लस कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसमें प्रोमिनेंट निफ्टी के ही नाम रख देता हूं, कोटक हुआ, टाइटन हुआ, ब्रिटानिया हुआ, इन सब पे हम खुलते ही आज रिएक्ट कर रहे होंगे। और दरअसल इस हफ्ते सिर्फ 2 ही चीजें फोकस में रखी है, एक तरफ यही रिजल्ट सीजन, क्योंकि इस हफ्ते 9 और निफ्टी की कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करने जा रही, और दूसरा अपने लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट, एक इंडिया इंक का परफॉर्मेंस है, दूसरा इलेक्शन की गर्मी। तो कल फेज 3 पोलिंग का दिन है, तो बस यही सब इंपॉर्टेंट, बाकी तो खैर जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करेगा जो जो इंपॉर्टेंट अलग से मेंशन करूंगा। आज हफ्ते की शुरुआत में अपफ्रंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 0.5% की मजबूती के साथ आज हम नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे, फ्राइडे के उस पेन से कुछ हद तक उभर रहे होंगे। बगल में नीरज जी बैठे हैं, इनसे जान लेंगे मूड माहौल है कैसा ग्लोबली, क्या रहा उस जॉब्स रिपोर्ट में, क्यों मूड सुधरा हुआ नजर आएगा।